फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनालीस किचन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घर में ठीक हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेज शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आप लोग ऐसे भी खाली खा सकते हो या फिर फिश, चिकन या फिर पनीर के कोई भी चाइनीज प्रिपरेशन के साथ खा सकते हो। घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, जो फ्रेंड मेरे चैनल पे बहुत दिनों से हैं और मेरे हर एक रेसिपीज को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, उन फ्रेंड्स को मैं थैंक यू बोलती हूँ। और जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वेज शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी। वेज शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स ले लिया है, बीन्स, कैरेट, कैबेज लिया है और यहाँ पे ग्रीन पीस लिया है। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रीन ऑनियंस का जो वाइट पार्ट, उसको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने गार्लिक, फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, ये ऑप्शनल है। तो अभी मैं पनीर में लाल मिर्च दे रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें मैं दे रही हूँ थोड़ा सा शेजवान सॉस, ज्यादा नहीं देना। और दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं देना है क्योंकि ये सॉस में भी नमक है। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हो गया है। यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अभी मैं दे रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप लोग चाहो तो सेसमी ऑयल में भी कर सकते हो। तेल गरम हो गया है। अभी मैं ये पनीर जो मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करके मैं उठा लूंगी। पनीर हल्का सा फ्राई हो गया है। अभी मैं इसे बाउल में निकाल रही हूँ। उसी ऑयल में मैं और थोड़ा सा ऑयल दे रही हूँ। तेल गरम हो गया तो मैं अभी चॉप किया हुआ गार्लिक दे रही हूँ। हल्का सा सौते करने के बाद मैं ये स्प्रिंग ऑनियन का जो व्हाइट पार्ट है चॉप किया हुआ, वो भी मैं इसमें दे रही हूँ। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं वेजिटेबल्स इसमें दे दूंगी, कैरेट, बीन्स। इसमें दूंगी थोड़ा सा नमक। इसे मैं एक मिनट के लिए ढक के थोड़ी देर पका लूंगी। एक मिनट हो गया है। अभी मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया है। अभी मैं ऐड करूंगी ये चॉप किया हुआ कैबेज। ये ग्रीन पीस।
इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शेजवान सॉस, ये सब ऐड करते जाना है और जल्दी जल्दी से मिक्स करते भी जाना है। और दे रही हूँ सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ये बॉईल किया हुआ राइस। हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। अभी ऐड कर रही हूँ मैं ये फ्राई किया हुआ पनीर। नमक, नमक थोड़ा सा सावधानी से डालिएगा, टेस्ट करके डालिएगा। और ऐड कर रही हूँ मैं ब्राउन शुगर, आप लोग नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हो, इससे क्या होगा टेस्ट थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। लास्ट में मैं और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। रेडी हो गया है शेजवान वेज शेजवान फ्राइड राइस। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पॉट मैं दे रही हूँ। रेडी हो गया है वेज शेजवान फ्राइड राइस। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर रेसिपी को लेके कोई क्वेरीज है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर आंसर दे दूंगी। मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।